गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ना शाम से कर रही हूँ और दूध गर्म होने रख दिया है मैंने। बर्तन अभी मुझे धोने हैं। शाम की चाय परी ने बना दी थी। यहाँ पे मैंने भींगने के लिए रख रखी है अरहर की दाल और इसमें मैंने कुछ सब्जियाँ कट की हुई हैं। इसमें है घिया, सीताफल और बैगन। तो यही सब्जियां थी मेरे पास, मैंने इनको कट कर लिया है। तो मैं बनाने वाली हूँ सांभर और आज बनाने वाली हूँ मैं इडली। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे। तो आज जो हमारा खाना है वो होगा इडली और सांभर। चटनी देखते हैं बनती है या नहीं बनती, लेकिन वैसे ये चटनी इसके साथ अच्छी लगती है। सो अभी देखते हैं। कुछ सामान बच्चों ने ला के दे दिया है, कुछ नहीं ला के दिया है और दही भी नहीं है। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ मट्ठा और अभी मुझे एक मट्ठा और मंगाना है। मतलब डिसाइड नहीं था कि शाम को इडली बनेगी वरना मैं दही जमा देती। तो अभी मैं जाती हूँ इडली कुकर ढूंढने के लिए। इडली कुकर रखा हुआ है ऊपर क्योंकि नीचे के जो मतलब टांड है ना उसमें सामान रखा हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ बर्तन वगैरह ऊपर रख देती हूँ जो कभी कभी यूज़ होते हैं। तो चलिए पहले ढूंढते हैं जाके इडली कुकर। ऊपर रखा है, उसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। टांड पे रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है, ढूंढना पड़ेगा। ओ मुझे तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। मुझे कुर्सी रख के ही चढ़ना पड़ेगा इस पे। तो सो फाइनली मेरे को इडली कुकर मिल गया। इस पे जम रही है धूल मिट्टी। इसके साथ ना डोसे के भी सांचे हैंगे तो वो पीछे रखे हुए हैं। तो ये है इडली के, इसमें तीन सांचे हैं। पता नहीं मैंने कभी YouTube पर इडली बनाई है नहीं बनाई, शायद मैंने बनाई है, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे कोई भी काम करके ध्यान नहीं रहता है। तो चलिए लाइट कर देते हैं बंद क्योंकि कमरे में हो जाएगी गर्मी। और अब चलते हैं नीचे, काफ़ी सारे काम करने हैं। गर्म हो रहा है हमारा, कपड़े रखे हुए हैं तय लगाने के लिए, वो करूँगी मैं बाद में, तय कल सुबह करूँगी। आज मुझे काम करते करते ना बहुत टाइम हो गया था तो इसलिए मैंने कपड़े तय नहीं किए, कल मॉर्निंग में करूँगी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अरहर की दाल को धो लिया है। काफ़ी लोग इसे तुअर की दाल भी बोलते हैं और ये हमारी सब्जियाँ हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। आपको जो जो सब्जियाँ अच्छी लगती हूँ आप वो डाल सकते हैं इसमें। वैसे इसमें घिया और सीताफल कहते हैं मेन होता है तो उससे अच्छी बनती है। तो इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही डालूंगी बस, ठीक है। इसमें मिर्च मैं नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैं मिर्ची वाला नहीं बनाऊंगी, दूध भी हमारा गर्म हो गया है। और ये मैं डाल देती हूँ इसमें नमक। इसको मिर्ची वाला बिल्कुल नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि अगर मिर्ची वाला ज्यादा बना दिया ना तो फिर बच्चे कोई नहीं खाएगा। वैसे भी हमारे घर में ना मिर्च बहुत कम खाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको रख देते हैं बनने के लिए। तो किस किस को इडली और सांभर पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को कल मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं। हाँ, मेरे व्यूज थोड़े कम आते हैं बट कोई नहीं, मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ज्यादा भी आएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। और अभी इस टाइम पे आज है दिन संडे, बच्चे गए हुए हैं दुकान पे सब लोग होते हैं आज के दिन, मतलब उनके चाचू भी हैं, मम्मी भी हैं और जो मेरे गांव से देवर आए हैं वो भी हैंगे। तो बच्चों का भी ना मन लग जाता है वहाँ पे, मैं ही सिर्फ घर पे अकेली रह जाती हूँ तो फिर मैं अपने कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। और अभी मेरे पास काफी सारे कुर्ते आए हुए हैं सिलने के लिए तो मैं उनको डिजाइन वाले सिलूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं फटाफट से ये बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो चुकी थी और हमारा सांभर भी बन चुका था। तो मैंने कहा जब तक मैं सांभर को छोक लगाऊंगी तब तक मैं अपने बैटर को तैयार करके रख देती हूँ। तो इसके लिए दही ना थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, पर दही था नहीं तो मैंने यहाँ पे एक दही का पैकेट इसमें यूज़ कर लिया था, दो छाछ के पैकेट यूज़ कर लिए थे, हो गया था, इनफ हो गया था। लेकिन फिर भी अगर आप है ना जब भी इडली बनाए ना तो उसके लिए जो दही है वो खट्टा चाहिए होता है। खट्टे दही से ना थोड़ा सा इडली का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है और इडली आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पे मैंने ये इमली है, इमली को मैंने धो दिया है, धो के मैंने उसको थोड़ा सा बॉयल पानी करने के लिए रख दिया ताकि हमारी जो इमली है वो अच्छे से ना
उसका जो मतलब जो उसका लिक्विड पानी होता है वो अच्छे से निकला है, खट्टा खट्टा सा। और ये देखिए हमारा सांभर बन चुका है। तो आप लोग सांभर का कलर देख के थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे, मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है, मिर्ची कोई खाता नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं डालती। और पता है ये वाला सांभर सबको अच्छा लगा था क्योंकि इसमें मिर्च नहीं थी। मिर्च मैंने सिर्फ इसमें दो हरी कटी मिर्च यूज़ की है, बाकी इसमें मैंने लाल मिर्ची का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। देखो जिसके घर में जैसा खाना पसंद होता है वैसा ही खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने जो हमारी इमली थी ना उसको भी उतार लिया है। तो ये गरम हो चुकी, मतलब गरम हो गया था तेल, तो तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है राई, और ये मैंने कटी हुई प्याज डाल दिया, दो हरी मिर्च डाल दी। और ये मैंने सांभर मसाला मंगा लिया था, शायद 10 का या 15 का पैकेट है, 15 का या 10 रुपये का पैकेट हैगा ये। तो मैं जब बनाती हूँ ना तभी जिस उस चीज़ के मैं पैकेट मंगा लेती हूँ, पहले से मंगा के नहीं रखती। पहले भी एक बार पैकेट मंगवाया था तो वो ख़राब हो गया था, तो जितना यूज़ होता है मैं उतना ही मंगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद हमारे टमाटर गल जाएंगे, तो मैं इसमें डाल दूँगी सांभर, जो हमारा मसाला है वो भी डाल दूँगी, और इसको अच्छे से पका लूँगी। इसमें आप और कुछ मत डालिए, कोई भी मसाला ऐड मत करिए। आप कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे ना तो आपका सांभर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा। और ये मैंने यहाँ पे इमली का पानी निकाल लिया था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मैंने आटे वाली छलनी से इसका पानी निकाला था क्योंकि जो हमारी चाय छलनी होती है उससे तो ये इसका जो पानी है ना वो निकल नहीं रहा था, और उसमें इतने सारे जो इमली का कूड़ा होता है वो था, तो इसलिए मैंने उसको आटे वाली छलनी से निकाल के फिर डाल दी। और ये हमारा सांभर छुक चुका है। हल्दी वो सॉरी धनिया मिर्च, हरा धनिया हमारे पास है नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं, और हरा धनिया कोई खाता भी नहीं है। और ये मैंने मूंगफली के दाने रोस्ट करने के लिए रख दिए हैं, और रोस्ट करने के बाद मैं इसको चटनी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ मेरा आ गया था भाई, और भाई आने के बाद भाई के साथ ना एक और भी जने आए थे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई। मैं इडली बस बनाई रही थी तो मेरा भाई आ गया, मैंने मतलब इडली ना तो बनाई ना दिखाई, बस ये लास्ट की एक क्लिप थी जब भाई चला गया था, एक बार का रह गया था तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि फिर मैं उनको खिलाने पिलाने में लग गई थी। मैंने कहा जब बन रही है तो मैंने कहा खा के जा, और एक अंकल जी और आए थे उसके साथ, तो बस उनको खिलाया पिलाया, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैंने भाई आया था उसकी भी वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, वो किसी काम से आया था। तो बस यहाँ पे मेरी इडली बन चुकी थी, बस ये लास्ट क्लिप हैगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इडली बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लिप। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चाप, चाप बना रही है। तो यहाँ पे मैंने चाप को अच्छे से पहले पानी से वॉश कर लिया है, और इसको मैंने तेल में ना मतलब थोड़ा सा भून लिया। इस तरीके से आप चाप को भून लीजिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम चाप की रेसिपी शेयर करी थी तो काफ़ी सारे लोग बोले थे दीदी ये क्या है क्या है क्या है। तो ये चाप है, सोयाबीन होती है ना वैसे ही, सोयाबीन का ही बड़ा रूप होता है, अच्छी लगती है खाने में और बनी भी काफ़ी टेस्टी थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को पीस लिया था, प्याज और लहसुन को पीस लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको तेल डालने के बाद जीरा डाल के और इसको मैंने भूनने के लिए रख दिया था। और ये मैं इसकी स्टिक्स को निकाल दूँगी क्योंकि स्टिक्स को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मतलब साबुत चाप इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो वेस्ट हो जाती है, और वैसे भी ना इसके दो पीस ले लो ना तो आप अच्छे से खाना खा सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको कट करके बनाया। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और उसके बाद ये चाप का जो मसाला है ये ले लिया था। मसाले मैंने बाकी सारे जो मसाले थे वो कम लिए थे क्योंकि चाप का जो मसाले का पैकेट है मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ। आप है ना मतलब चाप बनाए तो चाप का मसाला है ना बाहर से मंगा लें, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाता है, और बाकी आप नॉर्मली अपने घर के मसाले यूज़ करते हैं ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। बाकी चाप का मसाला घर पे भी बन जाता है अगर आप बनाना चाहें तो, अब कभी कभी बनती है तो इसलिए घर पे मसाला मैं नहीं बनाती, मैं बाहर से ही पैकेट मंगा लेती हूँ। ये मसाला हमारा पक चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। अब इसको मैं काफ़ी देर तक पकने दूँगी। काफ़ी देर तक पकने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरीके का हो गया है, और मैं अगर इसमें कलर वाली मिर्चें डाल देती या फिर मैं अपने घर की जो लाल मिर्च है वो यूज़ करती तो इसका कलर थोड़ा रेडिश रेडिश सा आता, लेकिन मिर्च मैंने बच्चों की वजह से नहीं डाली। आजकल मिर्च बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। हेलो मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पर। हो रहा है शाम का टाइम और आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाने वाला है, आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। और आप में से कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट है ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही थी, एक ब्लाउज सिल दिया और अभी एक ब्लाउज पर मुझे तुपाई करनी है, मुझे अभी देना है। और चलिए मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ।
बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, कल रात से बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी, दिन में बारिश नहीं हुई है, बाकी अभी बारिश हो रही है। मौसम तो अच्छा हो रहा है, जिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है उनके लिए मौसम बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है ना, तो उनके लिए मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत में अगर धूप होती है ना तो व्रत रखने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सो भगवान जी ने मौसम तो अच्छा कर दिया है। और मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़ा सा मुझे काम करना है। वैसे अभी रात नहीं हुई है, पता है अभी सिर्फ और सिर्फ 5:30 बज रहे हैं, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इस वजह से अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। बारिश का मौसम नहीं हो रहा है, बारिश हो ही रही है। यहाँ पे मम्मी ने पूजा की थी ना, तो यहाँ पे ये सब रखा है, तो इसको मुझे देना है पंडित जी को, और ये रहे हमारे भगवान जी। तो ये सारी चीज़ें मैं पंडित जी को दे दूंगी, और उसके बाद भी है दुकान, तो मम्मी का अभी फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बोला कि ये सारी चीज़ें पंडित जी को दे दो, और मैं अभी बच्चों के लिए कुछ पीने के लिए भेज देती। वैसे मैं शरबत बनाने वाली थी, रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाते हैं, शरबत बनाने वाली थी, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे ना शरबत वगैरह नहीं पीने वाले, सो मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी बच्चों के लिए भेज दो फ्रूटी। और ये आ गई है चीनी, मम्मी ने इसलिए चीनी भेज दी थी कि शरबत बना दूँ, लेकिन शरबत ना बच्चे पीते नहीं है मुझे पता है, और अगर आप फ्रूटी दे दो या फिर बच्चों को इस तरीके की खाने पीने की चीज़ें बाहर की हो ना, तो बच्चे खा पी लेते हैं, तो क्या फ़ायदा है वेस्ट करना, चीनी भी वेस्ट हो जाएगी और शरबत बनाए कोई पिए भी ना, तो क्या फ़ायदा है। सच तो बच्चों को फ्रूटी मंगा के दे दो, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अभी मुझे करनी है तुरपाई, तो मैं पहले बच्चों को सामान वगैरह दे दूँ, और ये सामान मैं पंडित जी को दे दूँ। और प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना कि मैं कैसी हो रखी हूँ, मैं काम कर रही थी, घर का काम करने के बाद ना मैं सीधे खिड़की खोल देती हूँ, कमरा ठंडा हो जाएगा, सीधे ना मैं तुरपाई वो सॉरी ब्लाउज सिलने के लिए बैठ गई थी। तो अभी परी आ रही होगी बच्चों से, बच्चों के लिए फ्रूटी लेके, उसके बाद हम बांट देते हैं। अभी बारिश हो रही है, परी आ जाए उसके बाद, परी आ जाए उसके बाद भगवान जी को फ्रूटी वगैरह दे के बच्चों को दे देती हूँ, तो मम्मी पानी पी लेंगी। वैसे मौसम आज भगवान जी ने काफ़ी अच्छा कर दिया, ठंडा ठंडा मौसम, क्योंकि एकादशी जो निर्जला व्रत रखते हैं उनकी सच में बहुत दिक्कत हो जाती है उनको, जब धूप कड़क निकलती है या गर्मी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो भगवान जी शक्ति देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। और चलिए बारिश में आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी तेज पड़ रही है। तो ये देखो पड़ रही है बारिश, देखो। चलिए फाइनली ये सब चीज़ें मैं रख लेती हूँ एक प्लेट में, और ये दे आती हूँ मैं, ये भी और ये भी, ये भी। तो आप सब भी ऐसे करते होंगे, तो अभी इस टाइम घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी आप व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी, मैं ये देख के आती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी परी वगैरह है नहीं, परी गई हुई है दुकान, तो मैं पहले ये दे आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सौरू ले आया है फ्रूटी बांटने के लिए, और बोरी में लेके जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी हैं, किसी बर्तन वर्तन में तो आएंगी नहीं, तो एक एक जाके बांट देगा। सो गाइज यहाँ पे मैं और शौर्य देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मटके में पानी भरा था, तो पानी भरा हुआ मटका देके आते हैं, तो मैंने कहा शौर्य तुम भी आ जाओ, और परी आ गई थी तो परी ने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया, और आजकल ना पता नहीं क्या हो गया, मेरा व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं और शौर्य देने के लिए जा रही हूँ। सेंटा क्लॉज आ गया, सेंटा क्लॉज जाओ एक एक दे देना सबको, ठीक है, तीन तीन दे देना उनका, तीन दे देना।